Student, welcome to Gyan Jyoti Public School. I teach you English. I am Usha Sandik, online classes. तो बच्चों पिछले लेटर में हम लोग आई तक पढ़ चुके थे. अब आई के बाद हम लोग जे पर आएंगे, जे लेटर पर. तो जे फूड जोकर, जोकर मीन्स जोकर, JOKER, जोकर मीन्स जोकर. जोकर तो सभी बच्चे देखे होंगे, क्योंकि सभी बच्चों को जोकर बात बनाता है, सभी बच्चों को हंसाता है. तो हम यहाँ लिखे हैं जोकर देखने में कैसा लगता है. हाउ डज जोकर लुक लाइक, यानी फनी, यानी मजाकी होता है. जोकर कैसा लगता है, फनी, फनी मीन्स मजाकी होता है, बात बनाता है जोकर. अब हम लोग नेक्स्ट लेटर पर चलेंगे. के फॉर काइट, काइट मीन्स पतंग. KITE, काइट, काइट मीन्स पतंग. तो पतंग तो सभी बच्चे उड़ाए होंगे, सभी बच्चों को पसंद आता है, सभी बच्चे पतंग से खेलते हैं. तो हम यहाँ लिखे पतंग का आकार कैसा होता है. What is the shape of kite? यानी काइट पतंग का आकार चरखुट होता है, स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स चरखुट. अब हम नेक्स्ट लेटर पर चलेंगे. L फॉर लैम्प, लैम्प मीन्स बत्ती. LAMP, लैम्प, लैम्प मीन्स बत्ती. लैम्प तो सभी बच्चे देखे होंगे, क्योंकि लाइट कट जाने के बाद हम लोग लैम्प का ही यूज करते हैं. तो लैम्प हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है. तो वाई इज द लैम्प इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यानी लैंप हम लोग को क्यों ज़रूरी है. तो लाइट के लिए, लाइट मीन्स यहाँ हम लाइट लिखे, लाइट मीन्स प्रकाश होता है, प्रकाश के लिए हम लैंप हम लोग को ज़रूरी है. नेक्स्ट लेटर पर चलेंगे. एम फॉर मैंगो, मैंगो मीन्स आम. MANGO, मैंगो, मैंगो मीन्स आम. तो आम तो सभी बच्चों को पसंद है, सभी बच्चे खाते हैं. आम फल, फलों का राजा भी है. तो व्हाट इज द कलर ऑफ रिप मैंगो, यानी पका आम का कलर कैसा होता है. येलो, येलो मीन्स पीला. नेक्स्ट लेटर पर चलेंगे. N फॉर नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला. NEST, नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला. तो घोंसले में कौन रहते हैं, चिड़िया. चिड़िया घोंसला तो सभी बच्चों, क्योंकि चिड़िया तो सभी बच्चों को देखे, क्योंकि चिड़िया घोंसले में ही रहती हैं. चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में. तो हु लिव इन नेस्ट, यानी नेस्ट में कौन रहता है. तो बर्ड, बर्ड मीन्स क्या होता है, चिड़िया. नेक्स्ट लेटर पर चलेंगे. O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा. ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा. तो कौन सा ऐसा फल है जिसमें कलर और फल दोनों का नाम आता है. तो विच फ्रूट इज नेम्ड आफ्टर इट्स कलर, यानी ऑरेंज, ऑरेंज ही, ऑरेंज मीन्स संतरा, ऑरेंज ही, संतरा ही एक ऐसा है कि उसमें कलर और फल दोनों का नाम आता है. तो यहाँ हम ऑरेंज लिखे, ऑरेंज मीन्स संतरा. तो नेक्स्ट लेटर पर चलेंगे. P फॉर पेन, पेन मीन्स कलम. तो पल कलम, कलम हम लोग को क्यों ज़रूरी है. तो व्हाट इज द यूज ऑफ पेन, पेन हम लोग क्यों यूज करते हैं, यानी राइट के लिए, लिखने के लिए. तो हम लोग राइट मीन्स लिखना होता है, क्योंकि पेन तो सभी बच्चे देखे होंगे, क्योंकि पेन से ही सारे बच्चे लिखते हैं. अब नेक्स्ट लेटर पर चलेंगे. क्यू फॉर क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स रजाई. तो रजाई हम लोग को कब यूज करते हैं. तो व्हेन यू आर क्विल्ट, यानी हम लोग रजाई विंटर, विंटर में ठंडा होता है, तो विंटर में हम लोग रजाई को यूज करते हैं. नेक्स्ट लेटर पर चलेंगे. आर फॉर रैट, रैट मीन्स चूहा. चूहा कहाँ रहता है, यानी हॉल, हॉल में, यानी बिल में. तो व्हेन डू रैट लिव, रैट लिव, लिव यानी चूहा कहाँ रहता है, बिल में, यानी हॉल मीन्स बिल होता है. तो चूहा तो सभी बच्चे देखे होंगे, सभी के बच्चे के घर में रहते हैं. नेक्स्ट लेटर पर चलेंगे. एस फॉर सन, सन मीन्स सूरज. SUN, सन, सन मीन्स सूरज. सूरज को तो सभी बच्चे देखे होंगे, क्योंकि सूरज ही सुबह में उगते हैं, तो प्रकाश होता है, इसलिए. तो सूरज हम लोग को कब उगते हैं, तो हम यहाँ लिखे हैं. व्हेन डज द सनराइज, यानी सूरज कब उगते हैं. तो मॉर्निंग में, यहाँ मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सुबह. धन्यवाद.